हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 1 जनवरी 2020। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। एंड सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं मथुरा। सुबह के 6 बजे गाड़ी आने वाली है। हमारे साथ 6-7 लोग और हैं, तो हो सकता है गाड़ी आ गई हो। तो अभी हम निकलते हैं अपनी दुकान की तरफ। फिलहाल तो हम अपने घर पे हैं और चलते हैं फिर आगे के, देखते हैं क्या सीन है। किधर घुसो? श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे। अरे कोल्ड ड्रिंक ले लिए दिव्यम। अरे ले ली हो तो आ जाओ दिव्यम। आ जाओ, एडिटिंग कर दी ले आ दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ला पानी पी लिया फिर। अरे अभी रुका गया है एक चाय ब्रेक के लिए। तो यहाँ सब लोग वॉशरूम गए एंड अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए। दाल 60 रुपये। यहाँ पे किया था हमने थोड़ा प्लान में चेंज। पहले जब घर से निकले थे सोचा था पहले मथुरा जन्मभूमि घूमेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया कि पहले चलते हैं गोवर्धन, उसके बाद वापस में वृंदावन और मथुरा जी बाद में घूमते हैं। तो हमारे पास एक दिन का टाइम था तो सबसे पहले हम गए गोवर्धन। गोवर्धन हमने एक मिनी मेट्रो किया। 21 किलोमीटर की यात्रा है तो वो चाहे आप पैदल भी कर सकते हो और मिनी मेट्रो के थ्रू कर सकते हो। तो हमारे पास टाइम कम था तो हमने सोचा मिनी मेट्रो कर लेते हैं। तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति मांगा था उसने, हमने 500 रुपये में तय कर लिया एंड यात्रा करनी शुरू कर दी। आगे का आप ये देख लो। अरे भैया अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा। कितने किलोमीटर की? 21 किलोमीटर। कर का है तो डर्री से पैदल चलने चाहिए तो अपन लोगों का टुक टुक से भाई साहब कर रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए पैदल करने। कितने बड़े काम कर रहे हैं हम, जो परिक्रमा होती है कोई बात नहीं, भगवान का नाम होना चाहिए। मौसम ठंडी लग रहा दादा।
मोहन राधा मोहन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे तू पर दिन पत भी बोले राधा राधा बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा पहने तो सब है यार क्या कर सकते हैं नो प्रॉब्लम जो है सब प्रॉब्लम है पैसा है खुले पैसे हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और लगाइया क्या उधर जो दूध वगैरह लेके जा रहा है ना उनके लिए है वहाँ यहीं से काम चला अभी हम लोग एक मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो देख लो वहाँ का समय बस हो गया उधर भी चलना है क्या सिंपल पूरा पहाड़ में चुका पहाड़ कॉपी कर दो इन लोगों ने हाथी मारे कहाँ लोग उतर ही तो जाना वो देखना अभी हम हैं राधा कुंड पे जो गोवर्धन की परिक्रमा है उसके बीच में ये कुंड वगैरह पड़ते हैं तो उसके दर्शन करने आए हुए हैं श्याम कुंड राधा कुंड तो इधर देख लो ये सीन पीछे का ईशा है बाकी के सारे लोग आगे पहुंच गए हैं चलते हैं फिर देखते हैं आगे का सीन क्या है इधर से ना निकल सकते हैं अरे यहाँ से निकल जाएंगे चलो अभी हो गया दर्शन तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम बाकी सब बढ़िया चलते हैं पीछे सारे के सारे लोग चल रहे हैं की जय फ्रेंड्स अभी हम सरोवर पे ये देखो पीछे का सीन इधर ये पीछे यहाँ ये पानी भरा हुआ है इधर ये लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं तो यहाँ देखते हैं और निकलते हैं फिर अभी क्या कह रही तो फ्रेंड्स हमने गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर ली थी और जाने वाले थे बरसाना फिर वहाँ का भी प्लान फेल हो गया तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन निधिवन।
फ्रेंड्स एक बात बताना मैं भूल ही गया, मैं ये बताना चाह रहा था कि वहाँ का एक रहस्य है निधवन का ये रहस्य है कि गेट बंद होने के बाद वहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि वहाँ के मोर और बंदर वगैरह वो भी इधर उधर हो जाते हैं, इंसान तो दूर की बात है, ये नहीं जाते क्योंकि वहाँ का मानना ये लोगों का कि अब भी कान्हा जी वहाँ रास रचाने आते हैं, तो वहाँ कोई नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की अंदर जाने की, लोगों ने कोशिश की छुप के जाने की, बट उनका पता ही नहीं चला, अगर एक आध का पता चला है तो वो बताने लायक ही नहीं रहा। तो वही सीन है, हम लोग रात को पहुँचे थे वहाँ, अगर आप लोग जाओ तो दिन में पहुँचना, गेट बंद होने से लगभग आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच गए थे, तो देख लो थोड़ा धुंधला धुंधला है। ऐसे पकड़ लिया, मफलर भी अपना कस के पड़ गया मेरी, ये सरफेस पर लेके सफाई देखो यार कितनी है। हां वो रोज सारे के खड़ा हुआ और बाबा छोड़ जाते हैं, हरियाली है टोटल टोटल छेदनदारी ने खराब किया था, उसने उसके पुत्र को पक्का बनाया है या भगवान श्री कृष्ण का वंशी चुराया राधा जी ने, तो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे राधा मेरी स्वामी हो, मैं राधे को दास और जन्म जन्म वो दीजिए श्री वृंदावन दास, राधा रानी की जय, ताली बजा लो हंसी कर लो, चलते हुए बोल बोलो राधा रानी की जय। क्या लगी थी उन्हों निधिवन 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 भगवान ने मतलब कि मथुरा वृंदावन बरसाना वगैरह आओ तो मंदिर घूमने की कमी नहीं है, मंदिर ही मंदिर है, जितने मर्जी है उतने घूम लो, एक मंदिर यहाँ भी, ये सब बाकी लोग आगे जा रहे हैं हम पीछे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ क्या बनता है, क्या सीन है आगे का। अभी हम हैं रंगजी मंदिर में, तो फिर निधवन और रंगजी महल घूमने के बाद हम गए थे मथुरा। मथुरा जब पहुंचे तो हम जैसे गाड़ी छूते तभी एक हमें गाइड मिल गया, उन्होंने कहा कि अंदर मोबाइल इलेक्ट्रिक वॉच एंड वॉलेट बेल्ट कुछ भी अलाउ नहीं है, तो भाई साहब मजबूरी थी, मोबाइल कुछ नहीं मिला, गए अंदर, गाइड ने मतलब हमें सब कुछ दिखाया, अंदर जाके जो मज़ा आया वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुकून मिला, बट उसका मज़ा जब ही मिलेगा जब आप वहाँ जाओगे, दिन में जाना, हम तो रात में पहुँचे थे क्योंकि एक दिन का था, इस चक्कर से नहीं घूम पाए, अगर वहाँ घूमना हो तो मंदिर इतने हैं कभी 4-5 दिन लग जाएंगे घूमने, मगर फिर भी नहीं घूम पाएंगे, बहुत अच्छी जगह है, बट आप जाओ तो बहुत मज़ा आएगा, बस यही था, ज़्यादा कुछ तो नहीं था वीडियो, बस यही था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्रेस द बेल आइकन जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से जल्दी, टिल तब तक लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।